the IPO portion is about to come soon, and that is why we have held this session in collaboration with CDC, CDC Marketing, and the officials from CDC. So we have with us Jawad Bhatti, who's the head of online trading at BMA Capital, and we have Basit Kothari Saab, who is the Assistant General Manager at CDC Pakistan, CDC Product Development Department. So without further ado, I'll just hand over the mic to Jawad Saab and Basit Saab, who can take off, who can go forward with the presentation and brief you guys as to how you can participate in this IPO. Thank you. Assalamu alaikum. So the basic purpose of this seminar, I'll just give my introduction and then we'll move on to the basic purpose of the seminar or webinar which we are having. My name is Jawad and I'm associated with BMA Capital since past over 12 years. BMA Capital jo hai wo apna business aur apne entity 1992 se available hai capital markets ke andar. और उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी है जिसके अंदर इक्विटीज, कमोडिटीज, यू नो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मनी मार्केट, फॉरेक्स और दीगर इदारे हैं। तो बेसिकली हमारी जो बीएमए कैपिटल की जो टीम है वो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज लाएं जिसके अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो उससे फायदा उठा सकें। आज का जो सेमिनार है उसके लिए मैं सीडीसी से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अब इनवाइट किया है जिसके अंदर हम आपको बता सकें थोड़ा बहुत बीमे कैपिटल के बारे में, थोड़ा बहुत ऑक्टोपस डिजिटल क्या है और क्या करती है उसके बारे में। उसके बाद मैं थोड़ा बुक होल्डिंग के नंबर शेयर करूंगा और फिर मैं ऑप्शन बताऊंगा जिसके ऊपर आज जनरल सब्सक्रिप्शन के अंदर लोग शेयर्स में इनरोल या सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड देन वहां से फिर आई गेस वी मूव ऑन टू सीडीसी द हु विल प्रोवाइड ऑप्शंस अवेलेबल इन देयर सिस्टम्स टू डिजिटली सब्सक्राइब इन द सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। तो बीएमए कैपिटल का जैसे मैंने बताया कि 1992 से है और हम लोगों ने पास में भी काफी बड़े प्राइवेटाइजेशन के अंदर हिस्सा लिया है और इस दफा भी हम लोग ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है पीएसएक्स की के ऑक्टोपस डिजिटल 7 साल के अंदर पहली टेक कंपनी है जो हमने लिस्ट कराई है उसके कराने करा रहे हैं। तो उसके अंदर हमारी मेजर रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों में आईटी के ऊपर काफ़ी रुझान दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम 2020 के नंबर्स देखें तो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स जो है वो 46% से बढ़ी एंड नाउ 1.7 बिलियन डॉलर्स तक गई थी। सो दिस इज द आई वुड से के दिस इज द टाइम वेयर अ लॉट ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड टेक कंपनीज आर वेरी डूइंग क्वाइट वेल बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल नॉट ओनली ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली एज वेल। जहां तक हम ऑक्टोपस डिजिटल की बात करें वो एक होली सब्सिडरी है एमिनसियन की। एविन्सियन को काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में काम करते हुए। तो एविन्सियन के जो क्लाइंट्स हैं उनको पहले अपने प्रोडक्ट्स हैं उसकी सर्विसेज देते थे एविन्सियन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो कि 2017 से है, राइट। अब उन्होंने उसको ऑक्टोपस डिजिटल में कन्वर्ट करा है जिसके अंदर उनका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस मौजूद है जिनसे रेवेन्यू जनरेशन हो रही है और मजीद उन्होंने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं जिसके उनकी एक तो कंज्यूमर बेस पड़ेगी और आगे उनके जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आएगी। उसके लिए उन्होंने ऑक्टोपस डिजिटल की बुक बिल्डिंग की है जिसके अंदर उन्होंने 20% अपने पेड अप कैपिटल का बुक बिल्डिंग के लिए इशू किया था विच वाज अराउंड 27.35 मिलियन शेयर्स। अच्छा, ऑक्टोपस डिजिटल करती क्या है? बेसिकली ऑक्टोपस डिजिटल अपने आफ्टर मार्केट सपोर्ट देती है इंडस्ट्री के ह्यूज क्लाइंटल को जिनको सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं टेक्निकल अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजीद एफिशिएंट तरीके से रन करने के लिए। उसके अंदर उनके डेटा की ऑनलाइन स्टोरेज की बात कर लें, उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा की बात कर लें, कोई इक्विपमेंट के अंदर सपोर्ट सर्विसेज की बात कर लें, या फिर आजकल की दुनिया में जो डैशबोर्ड्स हैं
जहाँ पे उनको लाइव परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की देखना चाहते हैं, कंपनीज या लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, सीईओज या टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइड, ये सारी सर्विसेज ऑक्टोपस डिजिटल प्रोवाइड करती है। और लाइव डैशबोर्ड के अंदर अब वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के थ्रू ज्यादा बेहतर सर्विसेज अपने क्लाइंटल को देख सकती है। तो ये सारी चीजें हमें उस कंपनी में नजर आई, जिसके अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा, अब इसके लिए जो है उनका एक तो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू चल रहा है और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जब हमने इसकी बुक बिल्डिंग ऑफर की एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ 29, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, जिसके अंदर विद इन हाफ एन आवर हमारी जो बुक है वो सब्सक्राइब हो गई। मतलब अगर आपके 27.35 मिलियन शेयर्स वो विद इन लेस देन हाफ एन आवर ओवर सब्सक्राइब हो गए, एंड देन इट रीच्ड अ सीलिंग ऑफ 40.60 एंड इट ओवर सब्सक्राइब बाय 27 times। व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम कहते हैं 27 times ओवर सब्सक्राइब हुआ, मतलब जितने शेयर ऑफर किए गए थे उसके 27 गुना लोगों ने उन शेयर्स को खरीदने का इंटरेस्ट शो किया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो 40% कैप पे रेगुलेटर की तरफ से है वहां पे हिट हुई, राइट। और उसमें तकरीबन 30 बिलियन के एलोकेशंस नजर आए, ठीक है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान का मैं कहूंगा कि एक तो सबसे जल्दी और सब्सक्राइब करने वाला है, प्लस इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। मतलब मीनिंग के अगर हम कंपेयर करें तो बाकी बुक बिल्डिंग के अंदर और इसके अंदर, तो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो दैट वाज ट्रेमेंडस, ठीक है। तो ये शो करता है कि हमारी मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, कि अगर हम एक अच्छी कंपनी लाएं और एक अच्छी कंपनी लिस्ट करें तो इससे हमारी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही, उनके पास कितना एपेटाइट है और कितना इंटरेस्ट है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अच्छा, अब उसके बाद डेफिनेटली हमने जो ये ऑफर किया है इसकी अब एक जनरल सब्सक्रिप्शन ऑफर होती है जो 16 तारीख और 17 तारीख को है। अब उस जनरल सब्सक्रिप्शन में तकरीबन 25% हमें जो ऑफरिंग है उसका ऑफर होता है जनरल पब्लिक को। तो जैसे अगर 27.35 मिलियन शेयर्स अगर हमने ऑफर किए थे बुक बिल्डिंग में, तो तकरीबन 68,37,500 शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। तो उसके अंदर अगर 500 के हिसाब से अगर कोई 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, तो कोई अगर 13,675 लोग भी अप्लाई कर देते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन फुल हो जाती है। अब ऑफकोर्स उसमें सिर्फ 500 वाले नहीं होते, कुछ 500 वाले होते हैं, कुछ 1,000 वाले होते हैं, कुछ 1,500 वाले होते हैं, एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी उनको दी जाती है जिन्होंने 500 में अप्लाई किया है। जिन्होंने पहले 500 में अप्लाई किया है उनको पहले शेयर्स दिए जाएंगे, अगर वहां पे फुल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 1,000 वालों को मिलना शुरू होंगे, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क, राइट। अब बात करना मैं चाहूंगा कि किस तरह से लोग इस जनरल सब्सक्रिप्शन के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखें, पहले फिजिकल फॉर्म होता था, तो एज पर द रेगुलेशन अब फिजिकल शेयर्स तो बिल्कुल आप ले ही नहीं सकते। आपको अगर शेयर्स लेने हैं तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होना चाहिए जिसके लिए आप जिसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब जो तरीके हैं सब्सक्राइब करने के वो फिजिकल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। जो फिजिकल तरीका है अप्लाई करने का वो तो हमारा एक IPO फॉर्म जो होता है वो आप फिल करते हैं प्री ऑर्डर के साथ। हमारी जो 7 बैंक्स हैं उसमें से बैंक्स में जाके आप जमा करा के और अपनी रसीद नीचे से ले सकते हैं एज ए एविडेंस कि आपने ये जमा कराया था और इसकी कंफर्मेशन आपके पास हो। दूसरे तरीकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक के 3 और मजीद तरीके हैं। एक है कि आप PSX के ई पोर्टल के थ्रू आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा CDC के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बड़ी डिटेल में बताया जाएगा अभी CDC की तरफ से कि आप उस एप्लीकेशन को बहुत एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि कुछ बैंक्स हैं वो डायरेक्ट ऑफरिंग भी करते हैं कि उनके कस्टमर्स जो हैं
वो डायरेक्टली EIPO अपने बैंक के थ्रू ही सब्सक्राइब कर लें। फिर अगेन इसके अंदर मजीद ऑप्शन हैं, जैसे PSX के अंदर ऑप्शन हैं कि आप ब्रोकर के थ्रू कराना चाह रहे हैं, खुद करना चाह रहे हैं, बैंक में आप खुद करेंगे, स्टफ लाइक दैट। उन डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर किसी को सवालात हैं तो वो हम फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स सेक्शन में इनके जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा देखें, ऑक्टोपस डिजिटल एक ऐसी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बुक बिल्डिंग के थ्रू इसका रिस्पांस का आइडिया हो गया होगा, मैंने आपके साथ नंबर्स भी शेयर किए हैं, और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस जनरल IPO में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स को यूज करें, क्योंकि उससे आपकी भी जिंदगी आसान होती है। और CDC ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर सकते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये मेरा मकसद था, मैंने आपको थोड़ा BMA कैपिटल के बारे में बताया, ऑक्टोपस डिजिटल के बारे में बताया, बुक बिल्डिंग में क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, और जनरल IPO के क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स या कोई सवाल आते हैं, फिर वो हम केटर कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, जब CDC एक अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन का फुल डेमो दे देगा उसके बाद। तो वो डेमो के हवाले से भी सवाल आप हो सकते हैं, BMA कैपिटल के बारे में भी हो सकते हैं, कोई और भी आप चाहें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय एंड। बासित साहब, आई वुड वांट इफ यू कैन जस्ट टेक ओवर फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट विद द CDC इंट्रोडक्शन मूविंग फॉरवर्ड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जवाद फॉर गिविंग इनसाइट ऑन द ऑक्टोपस IPO और थैंक यू फैजान फॉर इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं बहुत सिंपल सा प्रोसेस है CDC का, जो जैसे जवाद ने बताया कि ये दो ऑप्शन है कि आप फिजिकली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिजिटली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो हम फोकस करेंगे कि CDC का डिजिटल जो सेंट्रलाइज IPO सिस्टम है वो कैसे चलता है और आप उसको कितना इजीली उसके थ्रू ये जो भी IPO करंट है या इसके बाद जो भी IPO आते हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, CDC ने 2017 में सेंट्रलाइज IPO सिस्टम लॉन्च करा था, जिसके थ्रू रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और कॉर्पोरेट अपनी IPO सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके बहुत आसान स्टेप है, इस पोर्टल के बहुत फायदे हैं। इसमें एक आपको रजिस्टर करने की जरूरत है इस पोर्टल पे, इसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है सिंपली आप उसको लॉगिन करेंगे और IPO जो भी IPO आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो IPO सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी पेमेंट कर देंगे। तो हम आगे जो प्रेजेंटेशन है ये चार स्टेप्स को फोकस करेंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आपको ये IPO में अगर सब्सक्रिप्शन करनी है तो कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, इस पोर्टल के बहुत सारे फायदे, उनमें से चंद ये है कि जैसे आपको फिजिकल के केस में आपको बैंक की ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़ेगी, इस केस में आपको बिल्कुल नहीं करनी, आप अपने घर बैठ के ऑफिस में बैठ के अपने मोबाइल से आप ये IPO सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये 24/7 आप है हमारा, आप कभी भी इस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसमें एक खसूसियत ये है इसके, आप जो IPO सब्सक्राइब करना चाहते हैं ये 24 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है, मतलब अगर जो भी अपकमिंग IPO वो 2 डेज के लिए है तो वो 2 डेज 24 आवर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ओपन होगी फॉर थ्रू दिस पोर्टल। अच्छा, इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है CDC की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वक्तवन अलर्ट्स आते रहेंगे कि आपने सब्सक्रिप्शन कर दी, पेमेंट नहीं करी, तो आपको ये सिस्टम अलर्ट भी भेजेगा कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है और ये आपकी सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो गई, उसके भी अलर्ट आएंगे। और इस पोर्टल के थ्रू आप मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वन बिल वन लिंक पे जितने भी मेंबर बैंक्स हैं उन तमाम बैंक्स के ऑनलाइन पोर्टल से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, उनके ATM सर्विसेज से पेमेंट कर सकते हैं। और जो वन बिल का एक स्पेशल फीचर है, वन लिंक का वन बिल फीचर है, उसको भी आप यूज करते हुए इस IPO की पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो कॉल सेंटर है वो IPO के डेज में ऑन होता है, आप उसको कॉल करके जो भी अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप उसको नोट कर लें, हम आपको ये चैट पर भी शेयर कर लेते हैं। और सिंपली अगर आप गूगल पे जाके CDC IPO रखेंगे तो आपको ये लिंक अवेलेबल भी हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा पोर्टल है जो आप उसके थ्रू लॉगिन कर रहे होंगे। सबसे पहले इस पोर्टल पे आके अगर आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनपे इस पे जाके आपको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन का बहुत आसान प्रोसेस है,
आपको सिर्फ जाके रजिस्ट्रेशन क्लिक करनी है और ये अपनी बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन या इनपुट करनी है, जिसमें आप इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे, सैल्यूटेशन, फादर नेम, हस्बैंड नेम, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है CNIC या NICOP नंबर, वो आप बिल्कुल सही एंटर करना जरूरी है, वरना आपकी सब्सक्रिप्शन जाया हो सकती है। तो आप पे ये CNIC नंबर जो है वो आपको 13 डिजिट अपना एंटर करना होगा, और आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आपके पास अभी यूज में है वो ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड सेट करें इस पोर्टल का, और आपका जो इन यूज मोबाइल नंबर है वो उस पर एंटर करें, और इसके बाद जाके जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर लेंगे तो आप जाके ये जो सिंपल एक चेकबॉक्स है टर्म्स एंड कंडीशन का, उस पर आप क्लिक कर देंगे। ये सारी चीजें करने के बाद आप ये हमारा जो जनरेट OTP बटन है ये इनेबल्ड हो जाएगा। आप जैसे ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक OTP कोड आ जाएगा ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर एंटर करा है। वो OTP आप मोबाइल या ईमेल से जैसे जो भी आपको कन्वीनियंट है उससे देख के यहाँ आप एंटर कर देंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे। ये आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आप रजिस्टर्ड हो गए, और उसके बाद जाके हमारे इसी पोर्टल पे आप ये जो नीचे लॉगिन अकाउंट लॉगिन का जो टैब आ रहा है उसमें जाके आपने जो अपना यूजर आईडी आपका CNIC नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने वहां सेट करा तो वो एंटर करके आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास ये बैनर भी आ रहा होगा, ये अभी करंट बैनर है जो ऑक्टोपस का IPO आ रहा है उसका ये बैनर भी आपको विजिबल होगा हमारे पोर्टल पे। और इसके बाद जाके आप जैसे ही इस पोर्टल में एंटर होते हैं तो इसमें जाके आप अपना ये IPO टैब में पब्लिक ऑफरिंग वाले टैब को क्लिक करें। इस टैब क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपके पास ये करंट IPO ऑक्टोपस का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और इस पर आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो ये पोर्टल आपको एक और स्क्रीन ओपन कर देगा और जिसमें ये बहुत बेसिक सी एक ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, इसकी इस डिजिटल सर्विस का एक फायदा और है कि अगर आपके पास आज CDC अकाउंट नहीं है तो भी आप IPO सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक फीचर है IPO फैसिलिटेशन अकाउंट, तो अगर आपके पास CDC अकाउंट है ऑलरेडी या IAS में या किसी ब्रोकर के पास, तो आप वो अकाउंट अपना पर्सनल ID अकाउंट नंबर एंटर कर दे। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जाके सिंपल ये जो IFA का चेकबॉक्स है उसको क्लिक करें और आगे सब्सक्रिप्शन के साथ प्रोसीड कर जाए। IFA में ये है कि अगर आपके IPO में सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो आपके शेयर्स इस IFA अकाउंट में आ जाएंगे और आप इजीली CDC की कोई भी ऑफिस से ये शेयर्स आपके जो आप अकाउंट खुलवाएंगे इसके बाद उसमें आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये फीचर है, जिन हजरात के पास आज अकाउंट नहीं है तो उनको बड़ी होने की जरूरत नहीं है, ये IPO फैसिलिटेशन अकाउंट यूज करते हुए IPO सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी सोशल मीडिया पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप जाके CDC की जितनी सोशल साइट्स वहां देख सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन और सारे प्रोसेसेस वहां पे भी अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आप जब सब्सक्राइब पे आएंगे आपने अकाउंट नंबर है तो इन्फॉर्म ऐड कर देंगे या IPO फैसिलिटेशन। इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर डाली होगी वो यहाँ फिल हो जाएगी, लेकिन इसमें से चंद इन्फॉर्मेशन ये इसी स्क्रीन पर आपको एंटर करनी होगी, जैसे आपका रिलीजन है और इस तरह की आपकी सिटी है और बेसिक कुछ दो तीन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ एंटर करके। और आप जैसे जवाब ने बताया था कि इसमें मल्टीपल ऑफ 500 शेयर्स का है, तो आप जितने शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं उतने मल्टीपल्स आप यहाँ एंटर कर देंगे, और इसके बाद अगर आप आपका ब्रोकर ID आपको पता है, ये ऑप्शनल फील्ड है, आप एंटर करना चाहते हो एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सारी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इसी स्क्रीन के नीचे एक सबमिट का बटन होगा, आप वो प्रेस कर देंगे तो आपकी ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी फॉर IPO। आप जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करेंगे तो आपके ये स्क्रीन पे भी आपको एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा और आपके ईमेल पे भी और SMS के थ्रू आपको ये सब्सक्रिप्शन ID मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये पोर्टल पे आपको एग्जिट करना होगा और अपने जो भी बैंक है उस पे जाके आपको लॉग इन करना होगा। अच्छा, हमने आपकी फैसिलिटेशन के लिए बैंक के लिंक्स भी यहाँ क्रिएट कर दिए, तो ये जैसे आपके पास एक विजिबल है कि व्यू पेमेंट प्रोसेसेस, अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपको इस पेज पे ले जाएगा जहां तमाम बैंक्स आ रही हैं कि कौन सी बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप जिस भी बैंक के नाम पे आप अपना कर्सर क्लिक करेंगे तो उस बैंक की डिजिटल बैंक साइट पे वो ले जाएगा पोर्टल। आप अपनी बैंक पे लॉग इन करेंगे और वहां से जाके
आपकी ये जो हमने आपको सब्सक्रिप्शन आईडी दिए वो एंटर करते हुए आईपीओ पेमेंट कर देंगे। अच्छा, कुछ बैंक्स ने ऑप्शंस दिया है कि वो आपको जहाँ पेमेंट ऑप्शन है आता है डिजिटल पे, वही आईपीओ का भी एक ऑप्शन दे दिया है, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन नंबर जो आपको ईमेल के थ्रू या वो प्रॉम्प्ट में आया था वो आप एंटर करके आप अपनी पेमेंट प्रोसेस कर देंगे। आप जैसे ही पेमेंट प्रोसेस करेंगे और जैसे ही सक्सेसफुल होती है तो आपको उस पर भी एक अलर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बैंक में डायरेक्ट ई आईपीओ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है तो आप वन लिंक का वन बिल ऑप्शन यूज करते हुए ये सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 100-232 ये आप नोट कर लें और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उस बैनर में भी अवेलेबल है। ये प्रीफिक्स ऐड करेंगे, इसके साथ आप जो सब्सक्रिप्शन आईडी आपको रिसीव होगी वो ऐड करेंगे और वन लिंक का वन बिल ऑप्शन यूज करते हुए बैंक के ऑनलाइन पोर्टल से इस आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस थे। इसके बाद जब आपका ये आप बाद में आके कभी भी अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसका स्टेटस देख सकते हैं। ये जरूर है कि आप जब भी सब्सक्राइब कर लें वो अपना सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लें, जब आप बैंक के पोर्टल से पेमेंट कर लें तो इस पोर्टल पे आके जरूर अपना ये देख लीजिएगा कि उसमें लिखा आ रहा होगा पेमेंट कंप्लीटेड या पेमेंट प्रोसेस। अगर ये आपने पेमेंट कर दिए नहीं आ रहा तो आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके इस पे क्यूरी रेज कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपने बहुत ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करे होंगे तो आपने जैसे ही पेमेंट करी होगी तो यहाँ पेमेंट स्टेटस पेड हो जाएगा। तो ये हमारा पोर्टल था, बहुत सिंपल सा, आप अपने मोबाइल से आईपैड जो भी कंप्यूटर डिवाइस है उसको यूज करते हुए इस पोर्टल को आप एक्सेस करके ये आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इजी है, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि आपको सीडीसी सिर्फ गूगल पे आप सर्च वर्ड यूज कर सकते हैं सीडीसी ई आईपीओ तो आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, रजिस्टर करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आईपीओ सब्सक्राइब करें और पेमेंट करें। ये हमारा एक ब्रीफ अबाउट द पोर्टल था और फैजान, वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो जी फैजान जी, सामने अच्छा, वी हैव सम क्वेश्चंस। एक तो पहला क्वेश्चन था ऑक्टोपस शरिया कंप्लायंट है या नहीं, ये तो मैंने उस वक्त हमने आंसर कर दिया था कि वो शरिया स्क्रीनिंग उसकी हुई है, ये शरिया कंप्लायंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन उनका सेकंड है हसन अब्बासी साहब का कि आई डोंट हैव अकाउंट इन बैंक्स लिस्टेड, कैन आई स्टिल सब्सक्राइब थ्रू PSX EIPO? और उस हाँ बस ये इनका क्वेश्चन है, बाकी एक उनका BMA के कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम उसको सेपरेटली एड्रेस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का बिल्कुल आप सीडीसी के ये जो बैंक लिस्टेड जो थे तमाम बैंक्स हैं वन लिंक पे जितने भी बैंक्स हैं आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं है। वन लिंक पे तकरीबन तमाम बैंक है और उस बैंक का ये जरूरी है कि अगर डिजिटल ऑप्शन पे जाते हैं तो बैंक का ऑनलाइन पोर्टल यूज करते हुए या उनका ATM यूज करते हुए आप इसको आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिफंड द मनी इफ सब्सक्रिप्शन इज अनसक्सेसफुल, ये मेरे ख्याल में बुक बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो जहां तक हमारे मेरी इंफॉर्मेशन है ये जवाब साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे इसका। जी आई थिंक ये जनरल सब्सक्रिप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जनरल सब्सक्रिप्शन की रेगुलेशन जो बाकी बुक बिल्डिंग्स के अंदर वही है कि विद इन आपको 3-4 days आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। जहाँ तक ऑक्टोपस के नंबर्स की बात है, अगर वो अटेंड नहीं कर रहे तो आप हमें 1111-262-872 पे भी कॉल करके कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट उन 7 बैंक के बेसिकली हैं जहाँ पे आप जमा करा सकते हैं पैसे, तो अगर आपका बैंक अकाउंट उसमें नहीं भी है तो वन लिंक के थ्रू भी जैसे उन्होंने CDC ने कहा बता सकते हैं। दूसरा, आप पे ऑर्डर बना के भी अपनी बैंक से उन 7 बैंकों के अंदर जमा करा सकते हैं जो ये ले रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी है, डू एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट होल्डर हैव टू रजिस्टर अगेन और यूज देयर एग्जिस्टिंग आईडीज़? देखें, ये आप लोगों
अगर आपका इन्वेस्टर अकाउंट है तो आप लॉग इन आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो उसी में आप अपना इन्वेस्टर अकाउंट मेंशन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफरिंग फ्रॉम आईएफए टू सीडीसी अकाउंट रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस और इट कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन सीडीसी अकाउंट। उन्होंने एग्जांपल दिया कि इफ आई वांट टू सब्सक्राइब फॉर माय मदर हु डजंट हैव अ सीडीसी अकाउंट कैन शी ट्रांसफर फ्रॉम आईएफए अकाउंट टू माय सीडीसी। जी फैजान, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। आईएफए से जो शेयर ट्रांसफर होते हैं वो जो जिनके नाम पे सब्सक्रिप्शन हुई है उनके अकाउंट पे ही ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद वो जैसे अगर इनका एग्जांपल है कि उनकी मदर, तो मदर के अकाउंट में चले जाएंगे, उसके बाद वो गिफ्ट कर दें, सेल कर दें, वो उनका ऑप्शन है। लेकिन आईएफए की जो वो है पॉलिसी है वो यही है कि जिस पर्सन के नाम पे सब्सक्रिप्शन हुई है उसी के अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साकिब अली साहब का है। आई हैव सीडीसी सब अकाउंट बट आल्सो वांट टू ओपन सीडीसी आईएएस अकाउंट, वेयर कैन आई गेट यूकेएन सो दैट कैन यू सीडीसी अकाउंट ओपनिंग अंडर सीकेओ रेजीम फैसिलिटी। जी इसके अंदर मैं बता दूं कि वो डेफिनेटली अपना अलग से इन्वेस्टर अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और अपना एग्जिस्टिंग सब अकाउंट भी यूज कर सकते हैं सीडीसी की ई सब्सक्रिप्शन के अंदर। और अगर आपका यूकेएन किसी ब्रोकर के पास या सीडीसी के पास पेंडिंग है तो वो यूकेएन जहाँ पे आपका अकाउंट खुला हुआ है उसी से आपको रापता करने होगा और वो एनसीसीपीएल से आपको आपका यूकेएन डॉक्यूमेंटेशन लेके और फिर इशू करवा दें। ठीक है जी, इसमें मैं थोड़ा सा पैसा ऐड कर देता हूँ। सीडीसी आईएएस अकाउंट के आप खुलवाना चाहे तो बहुत आसान ऑप्शन है, उसके लिए आपको यूकेएन की जरूरत नहीं है। हमारा सिंप्लीफाइड आईएएस अकाउंट है, आप हमारी यही जो पोर्टल मैंने ब्रीफ करा था इसी में अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको यूज करते हुए आप सीडीसी का सिंप्लीफाइड आईएएस अकाउंट बहुत इजीली ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन ओनली अराउंड थ्रू सीडीसी, कैन आई नॉट यूज माय रेगुलर ब्रोकर इन द ओपन मार्केट। जी देखिए, डिजिटल सब्सक्रिप्शन करनी है तो सीडीसी का एक पोर्टल है, आप उसको यूज कर लें ताकि जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने ब्रोकर के सर्विसेज भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली आपको बैंक के थ्रू सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ब्रोकर के पास ऑप्शन है, आप उनसे जिक्र कर दें कि आप वो मास्टर ईआईपी ऑप्शन यूज करते हुए आपकी सब्सक्रिप्शन वो कर सकते हैं ब्रोकर भी। ठीक है, once 500 shares are allotted to everyone, next comes ये मतलब allotment के ऊपर थोड़ी नुमान रहीम साहब थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि allotment होगी किस तरह से। I think जवाब इसका आंसर करेंगे। जी देखें, आपके जो number of multiples हैं वो 500 के basis पे होंगे। जैसे अगर आपके 500 के आपने शेयर्स अप्लाई किए हैं और अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 6.8 समथिंग मिलियन है और 500 वालों में ही बैलेट फुल हो जाता है, जो कि तकरीबन अगर लेट्स सपोज 13,675 लोगों ने अगर 500 की एप्लीकेशन दे दी तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर 1,000 वालों की बारी नहीं आएगी। और अगर उससे ज्यादा हो गए तो फिर बैलेट होता है, बैलेट के अंदर फिर जिसका नाम निकलेगा उसके हिसाब से होगा। जैसे अगर 500 वाली फिल हो गई और 1,000 पे बैलेट हो गया या 500 पे बैलेट हो गया, देन दे परफॉर्म अ बैलेट सिस्टम। साथ में बासित एक और सवाल है, आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट्स का मास्टर कार्ड्स का, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू पे द अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। जी बिल्कुल, ये रिस्ट्रिक्टेड है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकती किसी भी आईपीओ की, इवन शेयर भी आप परचेज नहीं कर सकते थ्रू। ठीक है, मेरे ख्याल में और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक हम ये भी कह देते हैं कि अगर अगर किसी के और मजीद क्वेश्चंस हैं, वो लाइव क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो वो हैंड रेज का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक मोहम्मद आरिफ वोरा साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आई थिंक उनको हम लाइव मैं कर देता हूँ, इनको माइक कंट्रोल में इनको देता हूँ। आसिफ साहब आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।
जी आसिफ साहब आपको अनम्यूट करना होगा क्वेश्चन करने के लिए। आई थिंक अवेलेबल नहीं है। हम नेक्स्ट लेते हैं नुमान रहीम साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी नुमान रहीम साहब जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ओवरसीज के लिए ये बहुत बेनिफिशियल सेशन है, स्पेशली मेरे लिए। मेरा एक सवाल था इसमें कि अगर मैं अपनी मदर का CTC अकाउंट खुलवाता हूँ, IFA अकाउंट से उनकी परचेजिंग करता हूँ, बिकॉज शी इज नॉट एन एक्टिव ट्रेडर, सो और वो इतनी टेक्निकल अवेयर भी नहीं है, तो बेसिकली शी यूजेज मी टू इन्वेस्ट इन टू PSX। तो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं उनके अकाउंट से IFA के थ्रू ऑक्टोपस में सब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है, और कल को ये सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो किस तरह से उसको मुझे ट्रांसफर ऑन कर सकती है? उसके लिए क्या उनको फिजिकली जाना पड़ेगा या ये डिजिटली या ओवर द फोन हो सकता है? पहली बात ये देखें, आपने IFA से अगर अपनी मदर के नाम पे आपने सब्सक्राइब कर लिया और वो सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन हो जाती है और अलॉट हो जाते हैं शेयर्स, तो उनका CDC अकाउंट खुलना या CDC के साथ या ब्रोकर के साथ जरूरी है। जब वो फिर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, जब उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो वो कहीं से भी आपको अगर गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर अलाउ नहीं है। समझ गया। क्या ऑनलाइन CDC अकाउंट खोला जा सकता है? जी, यही पोर्टल यूज करते हुए आप हमारा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन है, आप उसको यूज करते हुए अकाउंट को। अच्छा, इससे ओवरसीज से एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत जबरदस्त अकाउंट ओपनिंग स्टेट बैंक ने लॉन्च करी थी, रोशन डिजिटल अकाउंट, तो वो उसको यूज करते हुए वो भी इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसका अगर जो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस पोर्टल के थ्रू नहीं होता, इसका प्रोसेस पूरे हमारी वेबसाइट पे एक्सटेंड है, और जो भी RDRs अगर कनेक्टेड है हमारे साथ तो उनको हमने ईमेल के थ्रू भी भेज दिया है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर किसी को उससे डिटेल्स चाहिए तो वो आप हमें ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी उसका पूरा डिटेल प्रोसेस फॉर RDA वो मौजूद है फॉर सब्सक्राइबिंग EIP। वन मोर थिंग, ये जो कैपिटल गेन टैक्स है बीइंग अ रोशन डिजिटल ओवरसीज पाकिस्तानी, ये चाहे ओवरसीज हो या लोकल रेजिडेंट हो, दोनों को सूरतों में पे करना पड़ेगा या कोई डिफरेंस है इन दोनों अकाउंट्स में, RDA में? और करना पड़ेगा, जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है उस पे है कि अगर फाइलर है तो 15% है, नॉन फाइलर 30% है, लेकिन RDA अकाउंट होल्डर के लिए फ्लैट कैपिटल गेन है 15%, तो टैक्स तो दोनों को पे करना है, लेकिन रेट जो है RDS के लिए वो उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो वो 15%। उसके लिए मुझे FBR में अपडेट कराना पड़ेगा RDA अकाउंट या जो पेमेंट RDA से आ रही है ऑटोमेटिकली? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही RDA अकाउंट से आएंगे तो ये जो एंटिटी है नेशनल क्लियरिंग, उनको ऑलरेडी नोन होता है कि ये RDA अकाउंट होल्डर है, तो आप पे रेट ही 15% अप्लाई है। ठीक है, मुझे BMA से मेल आ सकती है इस प्रोसेस को कैसे सब्सक्राइब किया जाए RDA अकाउंट के थ्रू? जी, आप ये हमें चैट पर अपना ईमेल कर दें, हम भी आपको ये प्रोसेस फॉरवर्ड कर देंगे। वैसे नुमान साहब, CDC अपने सारे RDA अकाउंट होल्डर्स को सारी गाइडलाइंस सेपरेटली भी अलग से ईमेल कर रहा होता है? अच्छा, नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं पहले रेजिडेंट था तो मैं वही अकाउंट यूज कर रहा हूँ, RDA अकाउंट भी है मेरा, तो मैं उसको यूटिलाइज करना चाहूंगा। प्रॉब्लम अब यह है कि FDR ने ओवरसीज से FDR पोर्टल एक्सेस करना बंद कर दिया, तो अब मैं अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, वो जब ओपन करेंगे वो जब की बात जब है, लेकिन मुझे इसमें ये डर रहेगा हमेशा कि किसी वजह से भी नॉन फाइलर में हो गया तो आई हैड टू पे 30%, तो एक इश्यूज वहां पे भी हैं FDR की तरफ से कि ओवरसीज हम फाइल नहीं कर सकते। थैंक यू। अच्छा बासित साहब, एक सवाल मैं भी एक करना चाहूँगा, मतलब हमें इशू आता है कि जो आपके फैसिलिटेशन अकाउंट है उसके अंदर जब एक दफ़ा कस्टमर के पास शेयर्स आ जाते हैं,
तो उनको फिर फिजिकल ओरिजिनल फॉर्म सीडीसी को जमा करना पड़ता है, जिसके बाद उनके वो सब अकाउंट में या कहीं पे शेयर ट्रांसफर होते हैं। इज इट पॉसिबल कि सीडीसी अगर उनका जो फैसिलिटेशन अकाउंट क्रिएट करने के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए जो ईमेल यूज हुआ है, अगर वो क्लाइंट अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ईमेल कर दे कि मेरे ये फैसिलिटेशन अकाउंट से मूव करके मेरे इस सब अकाउंट या इस इन्वेस्टर अकाउंट में मूव कर दे, तो उसको सीडीसी फैसिलिटेट कर दे? क्योंकि काफी लोग जो हैं वो अब्रॉड वाले और वो फिजिकल कोरियर पेपर भेजना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए एट टाइम्स। जी जवाब, मैं आपकी सजेशन नोट कर लेता हूँ और होपफुली इस पे हमारी टीम इस पे डेफिनेटली काम कर रही होगी, तो उसका जो भी प्रोसेस है मैं आपसे डिटेल में शेयर भी कर लेता हूँ। तो लेकिन वो हम कर लेंगे फैसिलिटेशन जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। आई थिंक फैजान एक और क्वेश्चन है सैयद अब्दुल अजीम बुखारी साहब, उनको हम कर दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। बस मुझे एक चीज थोड़ी सी वो हो रही है, इवन अभी कुछ और भी आईपीओज आए थे लाइक एयरलिंक हो गया, एयरलिंक से पहले भी एक तो शायद आई थिंक सम मार्केट में आए हैं न्यू, तो सीडीसी इतना इंटरेस्टेड ऑक्टोपस में क्यों नजर आ रहा है मुझे? Is any link with CDC or BMA with Octopus or something else? मुझे इस चीज की थोड़ी समझ नहीं आ रही। हालांकि और शेयर्स भी आए हैं, IPOs आए हैं, एक दो पीछे एयर लिंक का तो आई थिंक सो आया है और बाकी भी मैंने सुने थे दो तीन, बट इस चीज के ऊपर थोड़ी सी आप नजरसानी कीजिएगा। सीडीसी का देखिए किसी भी वो कंपनी का आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो ये जो प्लेटफॉर्म लेके आए, अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखेंगे तो बाकी आईपीओस की भी बहुत कवरेज मिलेगी और ऑब्वियसली हर आईपीओ के बाद जो हमारी लर्निंग होती है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए, तो हम तमाम जो ये जो फीचर हमने लाए हैं पब्लिक के लिए कि वो इजिली बैठ के अपना डिजिटल आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं, किसी कंपनी को हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ एक ये वेबिनार कर लिया हो, इंशाल्लाह बाकी भी जितने आईपीओ आएंगे उनके साथ भी करेंगे, लेकिन हमारा जितना भी कोशिश होती है कि ये जो हमने डिजिटल फीचर जो एससीसीपी के अप्रूवल के साथ और ये जो मार्केट फैसिलिटेशन के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं और ताकि दो इजीली जो भी आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। ओके, और मुझे मेरा एक सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो सी डी सी का हमें अक्सर हमारी सिक्योरिटीज जब ट्रांसफर होती हैं मतलब हमारे अकाउंट में, तो हमें एक साथ मैसेज आता है सी डी सी एस समथिंग लॉग इन का, तो क्या हमें वो हमारे ब्रोकरेज फर्म जो होती है वो दिया करती है लॉग इन? सॉरी आप लास्ट पार्ट वापस रिपीट करते हैं? मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड्स जो होती हैं उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ट्रांसफर होता है दो दिन बाद, वो क्या सीडीसी भेजता है या वो ब्रोकर भेजता है? आप ये नहीं, साथ में वो लॉगिन का होता है कि आप अपने सीडीसी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं जाके, या आपके आपको मतलब आपका बना होगा या आप ब्रोकरेज फर्म से अपना वो ले सकते हैं, तो उस चीज का मुझे जी, वो आप अपने आईवीआर के लिए रजिस्टर होते हैं, आईवीआर और ई वेब सर्विसेज सब अकाउंट के लिए रजिस्टर होते हैं, तो उसका आईडी पासवर्ड आपको फिर सीडीसी की तरफ से मिल जाता है जो आप यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। ओके, मतलब उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी। जी जी दूसरा जैसे हमारा एक और पोर्टल है, अगर आप हमारे अकाउंट होल्डर हैं तो सीडीसी एक्सेस को भी आप कर सकते हैं, तो 24/7 अपना आप अपना रजिस्टर वहां से देख सकते हैं जो भी पोर्टफोलियो है। और ये अगर आपके और कोई सवाल हो तो जैसे हम अभी आईपीओ पे फोकस कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे info@cdcpark पे जो भी अगर फर्दर क्वेश्चन है तो वहां हमें भेज दें, हम आपको उस पर फर्दर डिटेल में रिप्लाई कर देंगे। All right, Basu sir. Thank you so much. Thank you. I think further to koi question hai? Yeah, I think zyadatar questions aapke saron ke answer ho gaye hain. Agar kisi ka koi aur question hai to wo apna hand raise kar sakte hain, main unhe live kar sakta hu. फैजान दो क्वेश्चंस और हैं चैट में, अगर आप उनको कर लें।
मोहम्मद शौकत हयात साहब का एक क्वेश्चन है कि बुक बिल्डिंग की रिमेनिंग अमाउंट का कुछ। देखें बुक बिल्डिंग की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको प्री ऑर्डर के थ्रू मिल जाएगी। आप प्री ऑर्डर आपका जो बिडिंग सेंटर है वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर किसी और को ऑथराइज कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन के लिए साथ, वरना आप इन पर्सन आके ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट आई थिंक फैज बुखारी साहब का भी क्वेश्चन है, कैन बीएमए फैसिलिटेट हिज अकाउंट होल्डर फॉर डिपॉजिट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी एंड डेबिट टू हिज अकाउंट। देखिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अब, लेकिन वो अगेन वो सीडीसी नहीं, वो पीएसएक्स के ईआईपीओ के अंदर एक मेरे ख्याल से सर्विस है जिसके अंदर वो अगर ब्रोकर के थ्रू सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको जनरेट करके एक आईडी दे देंगे। उस आईडी के थ्रू आप अपने अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं जो आपका बैंक अकाउंट है उसके थ्रू। ठीक है, आई थिंक फर्दर कोई क्वेश्चंस है नहीं। अगर फिर भी कोई हमसे रिलेटेड या बीएमए से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप ये लाइव सेशन फेसबुक पे भी है, वहां पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड जो हेल्पलाइन नंबर है, वेब यूआरएल सब आपसे शेयर कर दिया, तो वहां पे भी कॉन्टेक्ट करके आप कोई भी क्यूरी कर सकते हैं फर्दर। आई थिंक थैंक यू सो मच बासित फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड इंशाल्लाह सीडीसी हर आईपीओ के लिए ऐसे करता है और आई सेकंड दैट। और आई थिंक पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो वो लोगों को ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेट द मैक्सिमम व्हिच यू कैन। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।